कंधा में दर्द आओगे एक गलत फॉर्म में लगाया हो तो कंधा में दर्द आएगा ही वहां में। अपूर भाई तुम बताओ यार, मैं तो जा रहा हूँ मुंह पे काम है। चेस्ट के प्रेसिंग मूवमेंट्स करते टाइम शोल्डर में पेन आने के होते हैं सबसे बड़े दो रीजन। नंबर वन पोस्चर, एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले आपको अपनी चेस्ट को अप कर लेना है और अपने शोल्डर ब्लेड्स को डाउन कर लेना है बिल्कुल ऐसे। नंबर टू फ्लेयर्ड एल्बोस, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को धक्का दो तो आप मेरे को क्या ऐसे धक्का दोगे? नहीं ना, आप मेरे को कुछ इस तरीके से धक्का दोगे यानी कि पुश करोगे। तो हमारी बॉडी का नेचुरल मूवमेंट यही रहता है पुश करने का, तो अपनी एल्बोस को कभी भी इस तरीके से आपको नहीं रखना है। आपको अपनी एल्बोस को अंदर की तरफ टक्ड करके रखना है फिर मूवमेंट को परफॉर्म करना है। इन दो चीजों को अप्लाई करके आपके शोल्डर में पेन नहीं आएगा प्रेसिंग मूवमेंट करते हुए चेस्ट के। लेकिन अगर फिर भी आए तो फिर डंबल्स पे स्विच कर देना क्योंकि बारबेल में एक रेस्ट्रिक्टेड मोशन रहता है। उन्हीं दो चीजों को इसके ऊपर भी अप्लाई करना और अपनी जो रिस्ट है उसको हल्का सा अंदर की तरफ से रोटेट करके रखना और फिर अपने मूवमेंट को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना बिल्कुल ऐसे। अगर बारबेल पे नहीं तो डंबल्स पे ही इन चीजों को अप्लाई करके आपका शोल्डर का पेन बहुत हद तक गारंटी है कि चला जाएगा चेस्ट प्रेसिंग मूवमेंट्स करते समय।